आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप नेट और गेट पे उसमें देखे था तो हम आपको ये जैसे नहीं होता इसका सिंबल पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पूछते थे ना, सोचिए कि दो एलिमेंट दे दिया, ठीक है, और उसी में पूछ लिया कि कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो आपको बस इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप निकाल लेंगे. देखिए बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल में चार्ज माइनस वन का होता है. ओके, देखिए ये जेड ये माइनस वन है, ऊपर जीरो है, ठीक है. अल्फा पार्टिकल तो देखिए हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2He4 होता है. पॉजिट्रॉन देखिए इसका ही होता है, बस ये पॉजिटिव होता है, ऊपर जीरो होता है, ठीक है. न्यूट्रॉन में देखिए इसका इन्वर्स होता है, न्यूट्रॉन में क्योंकि चार्ज नहीं होता तो ऑब्वियसली नीचे जीरो होगा ऊपर वन होता है मास में. इलेक्ट्रॉन कैप्चर किसके तरह होता है, बीटा पार्टिकल के तरह. गामा रेज में देखिए जीरो जीरो ऐसे गामा होता है. ओके, आइसोडाइफर देखिए, आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए. देखिए आइसोटोप्स आइसोबार्स तो आपको पता ही है, ठीक है. आइसोटोप जैसे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है, उसमें क्या एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, और मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो वो आइसोबार होता है. ओके, आइसोडाइफर्स देखिए उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, जैसे पूछ सकता है. अब देखिए थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये वाला एक ग्राफ होता है, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी बेल्ट होता है. तो देखिए क्या है ना कि अगर एटॉमिक नंबर जेड से नीचे या जेड तक है तो जो एनपी रेशियो होता है वो 1 होता है, उससे ऊपर एनपी रेशियो 1.52 होता है, और अगर 83 से ज़्यादा है तो स्टेबल न्यूक्लियर नहीं होता है. ये देखिए स्टेबिलिटी बेल्ट होता है अपना, ठीक है, तो जब तक जेड इज इक्वल टू मोर देन 20 तक रहता है ना फिर भी ये स्टेबिलिटी बेल्ट मिलता है. पर 83 के ऊपर देखिए, यहाँ पे 83 है, इसको हमने ऐसे 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 प्रोसीड करेंगे, इसको मतलब आगे की तरफ इधर बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी बेल्ट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई स्टेबल न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, बस यही मतलब है. मीसॉन थ्योरी क्या होता है, ये बोलता है ना कि मीसॉन देखिए चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, और इंटरकन्वर्टेबल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, सोचिए वो मीसॉन के ऐड होने से होता है. जैसे देखिए मीसॉन का ये पॉजिटिव वाला मीसॉन है, ओके, पाई मीसॉन कहते हैं इसको, ये न्यूट्रॉन पे ऐड होकर प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन पे नेगेटिव वाला ऐड होकर न्यूट्रॉन हो जाएगा, यही बोलने का मतलब है कि मीसॉन्स का चार्ज पार्टिकल इंटरकन्वर्टेबल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ओके, फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पहले हमें इसके लिए मास डिफेक्ट निकालना होता है. मास डिफेक्ट क्या होता है, जो हमारा थियोरटिकल मास है, मतलब अब जब आपको मास दिया रहेगा सारे, जैसे रिएक्शन का मास दिया रहेगा, उसके दो कंपोनेंट्स का मास दिया रहेगा, तो जो आप थ्योरी से कैलकुलेट करेंगे मतलब उससे, तो वो थियोरटिकल मास है, और जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल मास होता है, ठीक है. उन दोनों का सब्सट्रैक्शन जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी होता है. ओके, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर. देखिए ये तो सेकंड स्टैकरोड इक्वेशन है, ये आपको उसमें नहीं देखना है. पेनिट्रेटिंग पावर देखिए, गामा का ज़्यादा होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का, और आयनाइजिंग पावर देखिए अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा. ये वाला देखिए इस कॉन्सेप्ट पे देखिए सवाल आया है ना हमारे CSIR नेट में आया हुआ है, CSIR नेट 2021 में इस पे आया, बस यही पूछा था. तो आयनाइजिंग पावर किसका, अल्फा बीटा गामा. पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, गामा बीटा अल्फा. ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद देखिए बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं. ये जो मास डिफेक्ट है इसमें 931.5 MeV को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी होगा. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखिए, ये ग्राफ होता है ना उसमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर न्यूक्लियॉन या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर मास नंबर होता है हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. अगर स्टेबल न्यूक्लियस होगा तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा होगा. अब देखिए पूछ सकता है कि देखिए इससे थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के बारे में, तो आयरन 2656 वाला होता है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अगर पूछेगा MCQ में तो आप ये मार्क कर देंगे. मैजिक नंबर देखिए, ये तो वैसे हमने F ब्लॉक में भी पढ़ा हुआ है, पर इसमें भी देखिए, अगर आप सोचिए तो इवन प्रोटॉन होता है, सोचिए जैसे कोई भी है, ये एक एक्स ले लीजिए सोचिए, ठीक है, ये इसका, ठीक है, ए है, ये जेड है, तो अगर ये इवन है ना तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. इवन ऑड है तो उतना स्टेबल नहीं होता, ऑड ऑड है तो एकदम अनस्टेबल होता है. तो मैजिक नंबर में अगर प्रोटॉन ये होगा ना तो स्टेबल होता है. मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, समझ रहे हैं ना, मतलब एटॉमिक नंबर सोचिए और मास नंबर, ये अगर मैजिक नंबर होगा तो बहुत स्टेबल होगा. ओके, अब रेडियो एक्टिव, हाँ ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होता है, वो हमारा क्या करता है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस फॉलो करता है, तो मतलब उसका फॉर्मूला इधर अप्लाई करेगा. तो ये तो देखिए हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ई माइनस के टी, के की जगह यहाँ पे इसका वैल्यू ये है, ये ठीक है, डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लैम्डा से दिखा रहे हैं, ठीक है. टी हाफ कैसे है, देखिए टी हाफ का भी हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, 0.693 अपॉन यहाँ पे के करते हैं, उसकी जगह लैम्डा है. ओके, अब देखिए टी एवरेज वाला यहाँ पे अलग है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी एवरेज का टी हाफ के साथ रिलेशन, टी एवरेज इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ. ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टी एवरेज पूछा. अब देखिए लैम्डा मतलब डीके कॉन्स्टेंट का, या सॉरी डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का यूनिट, 1 DK/s इक्वल्स टू 1 Becquerel, ये हेनरी बेक्वेरल के नाम पे है, इज इक्वल्स टू 10^-6 रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड के नाम पे है, इज इक्वल्स टू 0.27 × 10^-10 ये क्यूरी के नाम पे, ठीक है, मैडम क्यूरी के नाम पे. ओके, ये आपको यूनिट्स जो है सब, क्योंकि अगर गेट में सोचिए इंटर कन्वर्जन आएगा तो ये पूछ सकते हैं आपसे. यूनिट्स आपको याद रखना क्या है, डी के पर सेकेंड का बेक्वेरल के साथ 1 में वो है, बेक्वेरल इज इक्वल टू 10^-6 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 0.27 × 10^-10 क्यूरी. ओके,
फिर आया नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, अगर पूछ लिया कि एन हाफ लाइफ, मतलब सोचे बोला कि तीन हाफ लाइफ, चार हाफ लाइफ, इतना हाफ लाइफ होने के बाद नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट, तो एन होगा ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इनिशियल जो है अपॉन टू इंटू एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है इसे ये निकाल लेंगे। ओके ये देखिए अभी हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अगर न्यूक्लियर एमिशन की बात हो तो आपको पता है ना न्यूक्लियर एमिशन में हमें कोई एनर्जी नहीं देना होता, न्यूक्लियर एमिशन में खुद ही हो जाता है वो, मतलब वो एमिट कर देगा, तो उसमें क्या होता है ना टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता है, जैसे हमारा जो नॉर्मल वाला इक्वेशन होता है ना जो ऐसे आरिनियस इक्वेशन से हम देखते हैं, जो देखिए इसका नहीं है ना एक्चुअल नहीं है, आरिनियस बता रहे हैं हम, इसमें तो आप देख रहे हैं ना कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर ये सब पे डिपेंड होता है, ठीक है, लेकिन असली में देखिए इसमें तो रेट डिपेंड कर रहा है, पर असली में मतलब ये वाले केस में क्या होता है ना रेट का एक्टिवेशन एनर्जी से न्यूक्लियर एमिशन में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एमिशन तो खुद ही होता है ना, समझ रहे हैं ना, जैसे यूरेनियम एमिट कर दिया, ओके, पर हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन अलग चीज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जैसे ऐसे कोई पार्टिकल, कोई सोचिए एलिमेंट उसके साथ बॉम्बार्डमेंट करवा के दूसरा पार्टिकल रिलीज हुआ, कुछ और पार्टिकल रिलीज हुआ, कोई एलिमेंट बना, तो उसे न्यूक्लियर हम लोग रिएक्शन कहते हैं, तो उसमें देखिए वो नॉर्मल हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की तरह, पर न्यूक्लियर एमिशन तो खुद हो रहा है ना, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होता है, तो उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो एक्सोअर्गिक होता है, और एम ऑफ आर इज लेस देन एमपी तो एंडोअर्गिक होता है, ठीक है। एक और है, सोचिए आ जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियस के, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, और बाण में हमको इसको निकालना होता है, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3, आर क्या है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट क्या है कांस्टेंट, ठीक है, आर क्या है देखिए पूछेगा क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियस में, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछ लेगा, सोचिए अगर सोचिए पूछा क्रॉस सेक्शन क्या है रेडियस पूछा, क्रॉस सेक्शन क्या होगा ऑब्वियसली आप जानते हैं न्यूक्लियस से क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियस को ऐसे सर्कल इस तरह का समझते हैं ना, इसको पाई आर स्क्वायर की तरह होगा, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए पावर 1/3, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू क्या है ऑब्वियसली ये तो मास नंबर है आपको पता है, आर नॉट कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का वैल्यू देखिए आपको याद रखना चाहिए, हो भी सकता है दे दे पर आपको याद रखना सेफ है, 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है, ये होगा 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर, ए एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा उस एलिमेंट का, इसके थ्रू ये करके आर निकाल लेंगे आप, अगर आप आर आ गए तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे लेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ अब क्रॉस सेक्शन एरिया सोचिए आपने मीटर स्क्वायर में निकाल लिया, पर आपको बांड में चाहिए ना, तो आप देखिए बांड का यूनिट कहता है 1 bar = 10⁻²⁸ मीटर स्क्वायर, बस आपको ये सब रिलेशंस और ये सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद रखनी चाहिए, देखिए एक तो ये इंटर कन्वर्जन है डीपीएस इज इक्वल्स टू डीपीएस या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 बेक्वेल इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ रदरफोर्ड इज इक्वल्स टू 0.27 × 10⁻¹⁰ क्यूरी, ठीक है, वो याद रहना चाहिए, बांड इज इक्वल्स टू 10⁻²⁸ मीटर स्क्वायर, पूछ लिया बांड में तो आपको देना पड़ेगा ना इसमें आंसर, और ये इसका कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर। ओके थैंक यू।